हाय फ्रेंड्स, तो ये कार जो पीछे खड़ी है ये हुंडई i10 है, 2008 का मॉडल, पेट्रोल 1200 सीसी इंजन कापा। तो इसको यार 15 साल पूरे हो चुके हैं और 15 साल मैंने इसको खूब चलाया। ये 185,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मेरा जो एवरेज रनिंग था वो 1000 किलोमीटर से ऊपर था पर मंथ का। अच्छा इस्तेमाल करा है इसका मैंने, इसने काफ़ी साथ दिया मेरे को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ओनरशिप रिपोर्ट बनाओ एंड टू एंड। आजकल लोग बनाते हैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिपोर्ट, है ना, एक साल बाद क्या कहानी है क्या नहीं है। तो यार 15 साल मैंने इस गाड़ी को अच्छा खासा चलाया, हाईवे पे भी ट्रेवल करा और काफ़ी, मतलब दिल्ली से जैसलमेर का हाईवे ट्रैवल करा मैंने, 950 किलोमीटर 17 आवर्स मुझे लगे, पूरी फैमिली के साथ गया था। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई गाड़ी 15 साल रखते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं एज़ यूजुअल। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप बात करोगे इस गाड़ी के साथ, 10 out of 8 रहा, कुछ निगल्स थे इसके साथ। मैं इस पूरे वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरी इसमें चेंज हुई, क्या क्या मेरा खर्चा रहा, क्या क्या कहानी रही, है ना। तो शुरू करते हैं। तो यार ये टायर है, ये टायर मैंने दो बार बदले हैं कार के, जो पहले आए हुए थे वो 5 साल चले, उसके बाद दो बार ये टायर बदले हैं। ये मिचेलिन XM2 है, ये अभी भी चल रहे हैं, ओके। एंड ये गाड़ी का जो पोर्शन है आगे का, ये आगे का जो इसका बम्पर है वो एक तो पहले महीने में चेंज हो गया था, गाड़ी ठुक गई थी, एंड देन ये बोनेट पे रीपेंट हो रखा है, ओके। एंड ये हेडलाइट थी वो दो तीन बार चेंज करी। वाइपर्स जो मेरे हैं ये मैंने 5-6 बार चेंज करें, ओके। ये सब इंटैक्ट है, ये बॉडी पार्ट पूरा इंटैक्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। टायर्स आप देख सकते हो, है ना, तो ये मेरे टायर्स रहे। एंड ये देखिए थोड़ा सा जो इस पर ये आया, ये इस पर ये कहानी बनी, इस पर ये पेंट है, लेकिन पेंट ओरिजिनल है। इस पर मैंने एक दो बार ऐसे ऐसे पेंट कराया इस सेक्शन पर, बट ये ऐसा रहा। तो गाड़ी ये हमारा, ये कंडीशन ये रही, ओके। एंड ये मेरा पीछे का आप ये देख सकते हो, ये तो यार ये बम्पर मैंने 2-3 बार रिपेयर करवाया, बट ये बम्पर ओरिजिनल है पीछे वाला, ये मतलब कभी इतना टूटा ही नहीं कि क्लेम वालों ने बोला हो कि हाँ जी हम कर देंगे। एंड ये इस पर स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, ये कहानी है। मैं आपको बोनट दिखाता हूँ एक बार, है ना, बोनट दिखाता हूँ आपको। और हाँ, अंदर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, अंदर आप ये देख सकते हो, ये जो ये सीट बेल्ट है घिस घिस के ये फटनी चालू हो गई, ओके। ये वाला जो स्विच है ये काम नहीं करता, ये अटका हुआ है, ये टूट गया, ये ऐसा है अभी, है ना, तो ये काम नहीं करता। और बाकी पावर विंडो एकदम काम कर रही है, ये स्विच मेरा फ्री हो गया, ये अभी रिसेंटली फ्री हुआ है, ओके, ये फ्री हो रखा है। स्टीयरिंग व्हील एकदम सेट है, मामला कोई इशू नहीं है, है ना। और ये जो अंदर से ये डोर हैंडल है, ये मैंने इसी यही वाला दो बार चेंज कराया, हार्ड रहा, इसने मुझे थोड़ा परेशान करा, है ना। चाबी इसकी जो थी ये एक बार मैंने चेंज करवा चुका हूँ, इसके अंदर मैंने सेंट्रल लॉकिंग लगवाया हुआ था, वो मैंने 3 साल पहले निकाल दी क्योंकि काफ़ी गड़बड़ करने लग गया था, ओके। यहाँ तक बात करें बैटरी इसकी 3-4 बार चेंज हुई है, हालांकि 3 बार होनी चाहिए थी, चौथी बार ये अभी 3 महीने पहले ही गाड़ी की बैटरी चोरी हुई, मैंने एकदम कंप्लेसेंट हो गया, पुरानी गाड़ी है तो क्या ही ध्यान दे रहा था, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये इसका जो पन्नी होती है वो मैंने दोबारा लगवाई है, एयर फिल्टर वगैरह मैंने इसके बार बार चेंज करवाए विद टाइम विद सर्विस। एंड एक चीज़ और है, जो मैंने इस कार की सर्विस जो करवाई, मैंने 6 साल तक शायद हुंडई में करी, ऑथराइज हुंडई सर्विस शोरूम में करवाई, जब मैंने अपने आप गाड़ी बाहर सर्विस करानी चालू करी, तो एक तो मैं सिंथेटिक ऑयल हमेशा डलवाता था, ठीक है, इंजन ऑयल, फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये तीनों मैं चेंज करवाते ही रहता था। टायर में एक चीज़ मैं हमेशा करता था, रोटेशन अलाइनमेंट बैलेंसिंग, ये मैं करता था हर 5-6-7 हज़ार किलोमीटर पर, ओके, ये काम मैं करता था। तो गाड़ी ने यार सही मेरे को सर्विस दी, कुछ ऐसा कहीं कोई मेजर गड़बड़ नहीं। हाँ, जो मेजर मैकेनिकल इश्यूज़ मेरे को आए इसमें, एक तो ना इस कार का क्लच हैवी था, आई डोंट नो, मतलब किसी ने शुरुआत में भी गाड़ी चलाई तो बोला यार ये क्लच इसका हैवी है, तो मैंने एक बार 70-80 हज़ार किलोमीटर पर क्लच चेंज करवाया था, और एक ये 1,30,000 किलोमीटर के करीब चेंज करवाया था। तो जो पहला वाला कराया था मैंने कंपनी से करवाया था, 8,500 के करीब बिल आया था, एंड जो दूसरा वाला था वो मैंने करवाया बाहर से, तो वो मेरे को 4,000 रुपये के अंदर मैंने अपना ख़रीदा और चेंज करवा लिया था। और हाँ, जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, सस्पेंशन यार अब तक इसका इंटैक्ट है, कुछ नहीं चेंज करवाया मैंने। हाँ, जो ड्राइवर साइड के पीछे रियर शॉक्स था वो एक बार चेंज कराया, मुझे पता नहीं अब ऐसा क्यों फील होने लग गया है कि वो ना यार बेवकूफ़ बनाया गया मेरे को, बट डोंट नो, मतलब वो चेंज हुआ था, है ना, उसका एक शॉकर था छोटा सा, वो मैंने चेंज करवाया था।
एंड शीशा एक बार चेंज हुआ है क्योंकि शीशे पे कुछ आगे से पत्थर लग गया था, तो शीशा चेंज हुआ, विंडशील एक्सपर्ट से चेंज हो गया था वो मेरा। बाकी आप जो कहोगे जो बेसिक सर्विस थी, जो होता है ब्रेक पैड, ब्रेक शू, वो जैसे टाइमली जिस गाड़ी में होते हैं वो इसमें भी चेंज हुए हैं। जो ब्रेक डिस्क होती है वो एक बार मैंने चेंज करवाई थी, आगे की फ्रंट की दोनों, और पीछे के ड्रम भी चेंज करवाए हुए हैं, है ना। बट देन मतलब एक ही बार का चेंज हुआ है, दैट्स इट। और यार बाकी इसने थोड़ा सा परेशान करा इंजन, ये मैंने शायद दो बार चेंज करा, ये पता नहीं लेकिन काम करा नहीं, मतलब वो वाली बात नहीं है, लग जाता था बीच में, तो देखो ये रुक गया यहाँ पे, तो ये दो बार चेंज कराया है, मतलब आई डोंट नो, ये धक्का मार के ये। और जहाँ तक लोग बात करते हैं सर्विस की, कंपेयर करो इसको कंपेयर टू मारुति, है ना, तो यार सर्विस ठीक थी यार, सर्विस हुंडई की सर्विस फाइन थी। कई बार मैंने अनरियलिस्टिक सी बातें भी करी वहाँ जाके कि मुझे अपना फ्यूल टैंक क्लीन करवाना है, है ना, तो मुझे याद है वो दो तीन बार उन्होंने मतलब सर कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, बट देन आई इंसिस्टेड, तो उन्होंने करके दे दिया, ठीक है। तो सर्विस वाइज हुंडई वाज फाइन, कोई ऐसा खतरनाक सा मामला भी नहीं था, और कोई ऐसा भी नहीं था कि मतलब आप जा रहे हो जो चीज़ आप सर्विस करने के लिए बोलते हो वो उन्होंने करी। एसी था ना, इसके एसी ने मेरे को परेशान किया, मतलब 4-5 साल काफ़ी सही एसी चला होगा, उसके बाद मेरे ख्याल जो 3-4 साल था ना, मतलब कभी गैस लीक हुई, मैं जब बाहर करवाने लग गया, मे बी आई डोंट नो कहाँ से क्या कहानी हुई, एसी की आवाज़ भी आने लग गई, एसी थोड़ा सा क्लीनिंग कूलिंग भी नहीं कर रहा था, एंड मैंने मेरे ख्याल 3-4 साल लगातार हर साल एसी की गैस डलवाई है, एवरी ईयर, है ना, जो कहते हैं कि एक बार डलवा दी तो फिर अगर आपका एसी ठीक ठाक काम कर रहा है तो चलता है। बट देन मैंने काफ़ी मेजर काम करवाया बाहर, प्रॉपर एसी क्लीनिंग कराई, तो वो फिर मेरा काम ठीक हो गया, तब से मेरा एसी एकदम चलर काम करता है, एकदम बढ़िया काम करता है, है ना। क्लच की केबल भी चेंज कराई क्योंकि हार्ड होने के चक्कर में क्लच ने मुझे परेशान किया, क्लच ने परेशान किया, एसी ने परेशान किया, है ना। रेस्ट ऐसा इशू नहीं हुआ, हाँ एक बार इसका रेडिएटर था वो फट गया था, तो वो मैंने चेंज करवाया, वो मैंने बाहर से ही चेंज कराया, बट एज सच और कोई दिक्कत नहीं है कि जी ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक कम काम कर रही हैं, है ना, तो गाड़ी कहीं रुकी नहीं, कहीं गाड़ी से मैं स्ट्रैंगल 15 साल में एक बार भी मैं कहीं भी स्ट्रैंगल नहीं हुआ। हाँ एक बार हुआ था, वो मेरी ही गलती थी, मैंने थोड़ा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, फ्यूल एफिशिएंसी मुझे मालूम था कि चली जाएगी घर, तो मैं गांव से आ रहा था अपने, और घर से 1.5 किलोमीटर पहले मेरा पेट्रोल एकदम एम्प्टी हो गया था, तो मुझे मालूम भी नहीं था कि पेट्रोल आपको बॉटल में पेट्रोल नहीं देते, क्योंकि मैंने कभी ऐसा करा ही नहीं, तो उस दिन एक चीज़ पता चली कि ओके यार बॉटल में पेट्रोल नहीं मिलता है। एक बार तो यार स्पीड सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो हुआ क्या कि गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, तो फिर हमने लोकल गैरेज में उसने स्पीड सेंसर रिमूव ही कर दिया, तो उसके बाद चल रही थी, बस स्पीडोमीटर था वो 0 दिखा रहा था। और दूसरी बार रेडिएटर फट गया चलते चलते, तो उसमें कुछ नहीं, कूलेंट वूलेंट सारा निकल गया, गाड़ी गर्म हो रही थी, तो मुझे बार बार पानी डाल डाल के गाड़ी घर लानी पड़ी। तो रेस्ट ओवरऑल 15 साल इसने बहुत अच्छी सर्विस दी मेरे को, एंड आई रियली एंजॉयड, और ठीक है यार अब जा रही है तो दुख नहीं है कि हाँ जा रही ठीक है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करा, एंड देयर आर मैनी गुड मेमोरीज, इनफैक्ट मेरे दोस्त लोग भी जानते हैं, है ना, जिन जिनको इस गाड़ी में घुमाया है मैंने, जो हमने घूमे हैं, जो रात रात में घूमे हैं, जितने मैंने एयरपोर्ट से पिकअप करें, ऑल अमेजिंग, है ना, इमरजेंसी में कभी यहाँ से कहीं गाँव निकला, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 15 साल से आपकी गाड़ी, ऑफ कोर्स आप एक साथ एक रहते हो तो इट्स जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर, है ना, इट वाज गुड, इट वाज जेन्युइनली गुड, है ना। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हमें दिल्ली के ट्रैफिक में अब तो गाड़ी चलाना मुश्किल, अपने आप को दुख देने वाली बात है, तो आई विल ट्राई टू बी विदाउट कार फॉर 1 ईयर और सो, एंड अगर तब भी लगा कि हाँ बिना कार के नहीं चल रहा है काम, तो फिर मैं ऑफकोर्स एक कार ले लूँगा। तो यार ये वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया, जस्ट ये वीडियो दिल से था, एक मैंने सोचा कि उन्हें एक 15 ईयर्स इस कार के साथ बिताए, तो एक वीडियो तो इस कार के लिए बनता ही है ना, तो ठीक है गाइस, एंजॉय, टेक केयर।